ठीक है गेमर्स, कैसे हैं आप लोग? सुगी जायूब सब बढ़िया होगा। सो भाई मैं हूँ कस एंड आप लोग देखो हमेशा की तरह गेमर। अगर सो गई ये वाली जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो भाई मेक श्योर आप फुल वीडियो वॉच करोगे। सो भाई आज किस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो पबजी मोबाइल लाइट का जो सीज़न 11 मीन्स जब हमारे जब टीयर रिसेट होते हैं, सो भाई वो अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई ऐसे उन्होंने कि भाई कल हमारा जो सीज़न 11 है वो आने वाला था ऐसा। भाई मेरे को कल शाम को बहुत सारे कमेंट्स आए कि भाई सीज़न 11, बहुत सारे नहीं लेकिन हाँ दो तीन भाइयों ने मुझसे बोला कि भाई जो हमारा सीज़न 11 है वो अभी क्यों नहीं आया, 1 जून निकल गया है ठीक है, तो भाई शाम को देखने को नहीं मिला। अभी तुम पूछ रहे हो भाई सीज़न 11 क्या आ जाएगा, मतलब आज 2 जून है तो भाई क्या आज हमें देखने को मिलेगा? सो भाई आज की इस वाली वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड गाइस अगर आप फुल वीडियो वॉच करते हो तो भाई फ्यूचर में आपको कभी भी सीजन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मीन्स जब हमारे टीयर रिसेट होते हैं तो भाई तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि हमारा जो नेक्स्ट टीयर रिसेट कब होने वाला है। हाँ आप देखना चाहो तो भाई आप टीयर रिवॉर्ड्स देख सकते हो, मतलब कि जो हमें देखने को मिलते हैं गोल्ड पे क्या देखने को मिलने वाला है, डायमंड पे क्या देखने को मिलने, भाई ये सारी चीज़ देख सकते हो। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में कभी भी सीज़न से रिलेटेड दिक्कत होती है कि भाई जो सीज़न है वो कब आता है, तो भाई वो ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली। सो भाई प्लीज़ यार इस वाली वीडियो को फुल वॉच करना। सो भाई देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि तुम्हें बताऊँगा हमारे जो विनर पास है वो हमें हर मंथ पे देखने को मिल जाता है 1 तारीख को ठीक है। अब जो हमारा जो सीज़न है इसका थोड़ा सा पंडा अलग है। देखो भाई जो हमारा सीज़न है वो पूरे 3 मंथ तक चलता है ठीक है। जो हमारे विनर पास है वो हमारा हर एक मंथ में चेंज हो जाता है, मतलब 1 महीने के बाद वो चेंज होता है। लेकिन हमारा जो सीज़न है वो भाई पूरे 3 महीने तक चलता है। एंड गाइस अगर मैं आपको बता दूं कि भाई अभी जो सीज़न 10 है जो हमारी रनिंग मोड पे भाई ये आया था 2 अप्रैल को आया था। अब देखो भाई 1 अप्रैल को क्यों नहीं आया था, क्योंकि भाई 1 तारीख को तुम्हें पता होगा हमारा जो विनर पास होता है वो नया विनर पास आता है 1 तारीख को। तो भाई इसीलिए एक साथ भाई जो विनर पास एंड सीज़न दोनों इंस्टॉल नहीं हो पाते हैं गेम पे, तो इसीलिए भाई हमारा जो सीज़न है वो हमें 2 तारीख को देखने को मिला था। अब देखो भाई जैसे कि तुम्हें मैंने बताया कि भाई जो हमारे सीज़न होते हैं वो भाई हमारे पूरे 3 महीने तक चलते हैं। तो भाई अगर हम गिनना शुरू करें तो भाई अप्रैल 1 महीना हुआ, मई 2 महीना हुआ एंड भाई अभी जो चल रहा है जून। सो मतलब ये वाला जब मंथ पूरा ख़त्म हो जाएगा, मतलब अगला जो मंथ आने वाला जुलाई, उसकी हमें 2 तारीख या फिर 1 तारीख को हमें जो हमारा नेक्स्ट सीज़न है सीज़न 11 वो हमें देखने को मिलने वाला है ठीक है। एंड अगर जो सीज़न 12 की बात करें तो भाई अगले 3 मंथ तक हमारा जो सीज़न 11 चलेगा, जुलाई अगस्त सितंबर, तो भाई 3 मंथ हमारा जो सीज़न 11 चलेगा। एंड 2 अक्टूबर को हमारा सीज़न 12 आएगा, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमारा सीज़न 12 चलेगा। एंड उसके बाद भाई वो सब कैरी ऑन होता रहेगा, नया सीज़न आता रहेगा, पुराना सीज़न जाता रहेगा, फिर लोग कॉन्करर पुश करेंगे। सो भाई अगर आप भी कॉन्करर पुश करते हो तो भाई ज़रूर बता देना। एंड जो हमारा जो नेक्स्ट सीज़न है वो हमें भाई 2 जुलाई को देखने को मिलने वाला है। सो भाई अभी वेट मत करो ठीक है, अभी जहाँ पर हो भाई जल्दी से एएस या फिर कॉन्करर जहाँ पहुँचना चाहते हो अभी पहुँच जाओ, देन उसके बाद जो हमारे टीयर हैं वो भी रिसेट हो जाएंगे। मतलब 1 मंथ का भी पूरा टाइम है हमारे पास। सो भाई यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है। वीडियो अच्छी प्लीज लाइक जो करना, कमेंट बॉक्स में बताओ वीडियो कैसी लगी। सो गाइस मैं मिलूंगा आपको किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।